एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है यूथ तक में, जहां हम बात करते हैं यूथ तक की। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं आज कॉलेज के रिव्यू के बारे में। कॉलेज का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसको हम बोलते हैं SVP पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कॉलेज कैंपस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, एडमिशन के बारे में, कैंटीन के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में और कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ में है यशवंत कोरी जी, जिन्होंने वहाँ से पढ़ा हुआ है, तो उनसे बस रिव्यू लेना चाहेंगे, बहुत टाइम बाद मिले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कॉलेज का कैंपस एरिया कैसा है। कॉलेज का कैंपस एरिया तो बहुत बढ़िया है, वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी भी है आपको पढ़ने की, बैठने की, और जैसे उसमें लाइब्रेरी जो फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी अच्छी अच्छी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने सुना है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। यस हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, तो ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये दोनों पैटर्न में पेपर आते हैं और स्टडी भी वहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज में होती है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कम्बाइंड है। तो आप अपने सूटेबल लैंग्वेज के हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर लगभग कितनी ब्रांचेस होंगी? 10 से 12 तक वहाँ पर ब्रांचेस हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और भी प्रोडक्शन, IT, CS इस टाइप से ब्रांचेस हैं। वहाँ से नॉन PPT के थ्रू भी कुछ एडमिशन होते हैं, मैंने सुना है वीडियोग्राफी में। नॉन PPT के थ्रू वीडियोग्राफी में, सिर्फ वीडियोग्राफी में होता है, और एक फार्मेसी होती है डी फार्मा जो कहते हैं। हाँ। उसमें नॉन PPT होता है, उसके लिए अलग से एग्ज़ाम होते हैं। डी फार्मा के लिए अलग से एग्ज़ाम होंगे, और नॉन PPT में अगर आप वीडियोग्राफी में जाना चाहते हैं तो वहाँ नॉन PPT से आप एडमिशन ले सकते हैं ईजिली। तो उसमें क्रिएटिविटी है, आपको कुछ अच्छा आता है, ग्राफिक में कुछ करना है, वीडियो एडिटिंग में कुछ करना है, तो आप 12th के बाद उस 12th के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में, ठीक है, नॉन PPT के थ्रू। वीडियोग्राफी डिपार्टमेंट है, ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे उसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। तो कैंपस से वहाँ पर अच्छे आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंजीनियर के लिए अच्छे, और प्रोडक्शन के लिए अच्छे कैंपस आते हैं, बट ITCS के लिए कैंपस नहीं आते हैं। हाँ, बहुत कम ही कैंपस आते हैं, और आते भी हैं तो बहुत लो कंपनी आती है, ऐसा मतलब बोला भी गया और देखा भी गया है, ठीक है। आप जूनियर से भी पूछ सकते हैं वहाँ के बारे में। आप कैंटीन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वहाँ पर कैंटीन तो छोटी सी है, मतलब इतना बड़ा कोई कैफेटेरिया नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा सा एक शॉप है। एडमिशन लेने से पहले कॉलेज विजिट कर लीजिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए जो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करना चाह रहे हैं इसी किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में। ऐसा करता हूं दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही हम वीडियोस कॉलेज के रिव्यू लेके आते रहेंगे। मिलूंगा नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।